उधर पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही के बीच अब महंगाई और भुखमरी पर हंगामा मचना शुरू हो चुका है। कंगाली में भारत से पाकिस्तान को मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसी बात पर पाकिस्तान की सरकार के मंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं। पिछले लगभग दो हफ्तों से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा है और हर तरफ मदद के लिए चीख पुकार हो रही है। बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ के बीच की एक सड़क पत्थरों के साथ खिसकती दिखी। हादसे के वक्त सड़क पर एक गाड़ी भी खड़ी थी जो पत्थरों के साथ नीचे आती हुई साफ दिखाई दी। हालांकि गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे और हादसे में वो सुरक्षित रहे या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। पाकिस्तान की सरकार पर तो आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम है। सैलाब के बीच फंसे पांच भाइयों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चारों तरफ लहरों का तांडव दिख रहा था और बीच में एक पत्थर पर पांचों भाई फंसे थे। उनकी सारी उम्मीदें केवल सरकार पर टिकी थी, लेकिन आरोप है कि पेशावर में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस के करीब होने के बावजूद कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तक नहीं हुआ। मदद की आस में घंटों तक पत्थर पर जमे पांचों भाई आखिरकार पानी के साथ ही बह गए। पांचों में किसी एक की भी जान बचाई नहीं जा सकी। लेकिन जान गंवाने वाले केवल ये पांच भाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत सैलाब की वजह से हो चुकी है। वहां की सरकारी एजेंसियों के मुताबिक 30 अगस्त तक बाढ़ की वजह से 1162 लोगों की जान चली गई, जबकि 3500 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से लापता हो चुके हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तो मान रहे हैं कि इन लापता लोगों में भी ज्यादातर लोगों के बचने की गुंजाइश न के बराबर है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में जितनी बारिश हर साल मॉनसून में औसतन हुआ करती थी, अब तक उसकी 5 गुना बारिश हो चुकी है। पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों ने 1961 में मौसम से जुड़ा रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। तब से अब तक पाकिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, जबकि ये सारे आंकड़े इस साल के मॉनसून में अब तक हुई बारिश के हैं। लेकिन मॉनसून का तो अभी पूरा एक महीना बाकी है वहां, जिसमें भारी बारिश का अनुमान है। जबकि पाकिस्तान में नदियां पहले ही तबाही मचा रही हैं। रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुकी नदियां सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर तुली हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक सैटेलाइट सेंटर ने पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में दावा किया गया कि सिंध नदी का पानी उफान पर आने के बाद बहुत भारी तबाही हुई। नदी का पानी जहां पहुंचा वहां 100 किलोमीटर का इलाका पानी में डूब गया। मतलब ये कि 100 किलोमीटर का ऐसा इलाका जो पहले जमीनी इलाका होता था, वहां अब नदी बह रही है। सीमित संसाधनों के साथ पाकिस्तान की फौज भी बचाव अभियान में हिस्सा ले रही है। हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान बांटते सैनिकों के कुछ वीडियो भी सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां बाढ़ ने हाहाकार न मचाया हो। वहां की सेना, वहां की राहत और बचाव का काम करने वाली एजेंसियों के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि पूरे देश में बचाव अभियान चला सकें। ऊपर से बचाव की जरूरत दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को ही नहीं, चौड़ी सड़कों से गुजरने वाले लोगों को भी पड़ रही है। अहम शहरों की सड़कों पर नदियां कुछ इस तरह बह रही हैं कि सड़क से पैदल गुजरने वालों की भी जान संकट में है। स्वात नदी के किनारे की सड़क पर सैकड़ों लोग फंसे हैं, क्योंकि नदी पर बने पुल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की वजह से बह गया। अब इन लोगों के पास मदद का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा हाईवे है जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा पानी से बचा है। उस एक छोटे से हिस्से पर सैकड़ों लोग 2 दिन तक मदद का इंतजार करते रहे, तब जाकर एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंचा। कुछ तो ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां लोग जानबूझकर अपनी ही जान दांव पर लगाते दिखे। उफान मारती लहरों के बीच एक सिरफिरे शख्स ने ट्रैक्टर उतार दिया। उसे सड़क के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना था। कुछ फीट आगे ट्रैक्टर चला था कि उसे पानी की गहराई का पता चल गया। ट्रैक्टर का केवल ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, लेकिन गनीमत यह रही कि थोड़ी देर बाद वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। लेकिन जब पूरा पाकिस्तान पानी पानी है और वो अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह लाचार दिख रही है। सरकार इस कदर कंफ्यूज है कि उसके मंत्री एक दूसरे से ही उलझने में लगे हैं। क्योंकि पहले आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए थे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी वहां के टीवी चैनलों पर इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को सस्ता आलू, प्याज और टमाटर देने के लिए भारत से मदद लेनी ही सही है। मेरे ख्याल से इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से जब मीडिया ने इस पर सवाल पूछा तो उनके होश उड़ गए। सरकार का कोई फैसला तो दूर, उन्होंने तो ये कह दिया कि भारत से व्यापार खोलने की बात सोची भी नहीं जा रही। इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फैसला लिया है भारत के हवाले से। पाकिस्तान की यह हालत इसलिए है क्योंकि वहां के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलकर ही वोट हासिल करते हैं।
इसीलिए भारत से मदद लेने की जरूरत पड़ गई तो पाकिस्तान की नई नई सरकार के सामने मुंह छिपाने की नौबत आ जाएगी, जिसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान के करोड़ों बेकसूर लोगों से ज्यादा परवाह वहां की सरकार को अपनी कुर्सी बचाए रखने की है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में आई बाढ़ में मदद के बहाने आतंक फिर पैर पसार रहा है और इस घिनौनी साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का हाथ बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने की आड़ में इस बार अल्लाह अकबर तहरीक नाम के संगठन के रूप में सिर उठा रहा है। कहा जा रहा है कि इस संगठन को आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चला रहा है। उसकी चाल वहां के आम लोगों को आतंकी बनाने की है, इसलिए अब बाढ़ में मदद करने के नाम पर लोगों को पाकिस्तान में आतंकी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकी तलहा सईद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फंडिंग भी जुटा रहा है और लोग ये फंड अनजाने में एक ऐसे आतंकी संगठन को दे रहे हैं जो पहले ही न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर चुका है। लेकिन हाफिज सईद का बेटा खुलेआम पाकिस्तानी सेना, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से राहत के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहा है। लोग पैसे तो बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो रकम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जहां एक तिहाई पाकिस्तान पानी में डूबा है, वहीं आतंकी तलहा सईद लोगों को आतंकी बनाने में जुटा है और बताया जा रहा है कि इस काम में वो अकेला नहीं है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को अल्लाह अकबर तहरीक के नाम से जिंदा करने के पीछे हाफिज सईद के दो करीबी भी शामिल हैं। और यही वो ये वही खौफनाक चेहरे हैं जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पर बैन लगाने के बाद से गायब हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से ये सभी नई पहचान के साथ सामने आए। और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने में सबसे आगे होने का दिखावा कर रहे हैं। ये आतंकी आम पाकिस्तानी नागरिकों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। ऐसे में ये आतंकी संगठन भारत के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि ये आतंकी भारत के खिलाफ आने वाले दिनों में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।